जो प्रयागराज के सिविल लाइन्स में हनुमान मंदिर है उसमें एक युवक नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि नमाज पढ़ रहा है, उसकी वेशभूषा भी ऐसी है जैसे कोई मुस्लिम हो, तो इस पूरे मामले पर जांच की गई, क्या तथ्य निकल के सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जो उक्त वीडियो वायरल किया जा रहा है वो उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ऐसा कोई नमाज पढ़ने का मंदिर में प्रकरण नहीं है, इसकी जाँच की जा चुकी है तथा एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा वहाँ वज्रासन में पूजा किया जा रहा था, जिसको कथित तौर पे नमाज की बात करके वीडियो वायरल की जा रही है। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनका नाम श्री वैभव त्रिपाठी है तथा इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जो युवक है उसकी वेशभूषा जो है मुस्लिम जैसी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे एक माहौल भी खराब होता है, वीडियो वायरल होता है तो। देखिए, वेशभूषा का जो बात है वो बिल्कुल निराधार है जी। किसी पर्टिकुलर ड्रेस पे, अगर पुरुष कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहने उससे किसी धर्म को आइडेंटिफाई करना गलत बात है जी। और मैं पूरी तरह से, जैसा मैंने पहले ही बताया, इस वीडियो में जो भ्रामक चीज़ फैलाई जा रही है उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने पूरी बात बताई है और ये बिल्कुल गलत तरह से प्रसारित किया गया है। अच्छा सर, एक जिस तरह से प्रयागराज में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो अपराधी और माफिया हैं उनकी संपत्ति चिन्हित करके कुर्की की जा रही है, तो अब खबर ये आई है कि तमाम अपराधी अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों को बेच करके कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं, तो ऐसे कैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर और माफियाओं की, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है, उनकी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति कुर्की जा रही है। कुछ प्रकरण ऐसे देखे हैं जहाँ पर वैसे अपराधियों ने उस संपत्ति को अपने रिश्तेदारों के नाम पे किया गया है। कई वैसी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो किस ढंग से इसको खरीदा गया है। इस तरह से वो बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से, वो बचना था अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।